तुम्हें भी मार दूंगा मैं, सबको मार दूंगा मैं। क्या बोला तू? क्या बकवास कर रही है? तू तुम को जान से मारेगा, मेरी पत्नी को जान से मारेगा। हां मेरी पत्नी, तुझे मैं इतनी देर से समझा रहा हूं, मत कर मत कर। होश में आ, तुझे समझ में नहीं आती? बहुत टाइम से मैं तेरे को देख रहा हूँ, बहुत टाइम से तेरी गलती मैंने माफ करी है, हर गलती तेरी माफ करी है मैंने। और परिवार के बारे में भूल गया, अपने काम के बारे में भूल गया। साक्षी तेरी पत्नी, उसकी तुमने जिंदगी नरक बना दी, और तू बोलता कि तू मेरी पत्नी को जान से मारेगा। बहुत टाइम से तूने बहुत गलती करी है। तू देवी को मारेगा? पहले भी मेरी पत्नी को मारने के खिलाफ तूने बहुत बड़ी साजिश की थी। लेकिन आज छोड़ो तुझे, मैंने बहुत टाइम से तुझे कुछ नहीं किया, तेरी कृपया हरकतें में देखता लेकिन आज नहीं। इधर देख जा, मारेगा तू मुझे? मुझे मारेगा ना? तू मारना। क्या कह रहा था? नहीं बख्शेगा तू मुझे? नहीं बख्शेगा तू मुझे? हाँ अब बता, अब देख बाजी पर लग गई। तू मुझे कमजोर मत समझ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इस वक्त मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मोंटी बस, आप चुप रहिए। क्या कह रहा था? कह रहा था कि मैं एक बेकार बिजनेसमैन हूँ, जीरो हूँ मैं, मुझे कुछ नहीं आता है। तू क्या समझता है, तुझे आज जो ये सब मुकाम मिला है, तुझे अपनी काबिलियत के दम पर मिला है? नहीं, तू किसी लायक ही नहीं है। तुझे ये सब कुछ भी स्लूथरा की वजह से मिला है। उन्हें तुझे कंपनी में नौकरी दी थी, उन्हें सब कुछ किया था, उन्हें तुझे ऊंची पोजीशन दी थी, और ये अवार्ड मिला सिर्फ और सिर्फ तेरी पत्नी दीपिका की वजह से, और कुछ नहीं। और ये जान के दीपी, उनकी चमचागिरी करके तू आज ये बड़ा बिजनेसमैन बन गया, और कुछ नहीं। नहीं तो तेरी औकात कोई मामूली सी क्लर्क से भी ज्यादा नहीं है, ये याद रखना। तू जैसे अपनी बीवी का गुलाम बन चुका है, तेरी बीवी दिन बोले तो दिन, रात बोले तो रात। अपना नौकर समझता है क्या? मैं तेरा नौकर नहीं बनूंगा। तुम बीच में मत आओ, कहा था तुम सब बीच में मत आओ। देखो तुम अभी इतने होश में नहीं हो, हम सब बाद में बात करेंगे, तुम दूर हो जाओ अभी से। कहा था बीच में मत आओ, क्या करेगा तू? क्या करेगा तू? क्या करेगा? मुझसे क्यों बात कर रहा था? पूरी हिम्मत कैसे हुई? मेरी पत्नी को हाथ खाने के बोला, तो हिम्मत कैसे? हिम्मत कैसे हुई? इधर निकल के बात कर। रवि प्लीज लड़ाई बंद करो। तू मुझे मारना चाहता है तो मार दे मुझे। आगे नहीं बढ़ेगा। मोंटी, 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 क्या है? जब तू भी आगे बढ़ेगा, सबकी जान ले लूंगा मैं, सबको खत्म कर दूंगा मैं। गोली चला दूंगा, रुक जा। डरता नहीं हूं मैं मोंटी, रुक जा। मैं तेरे से नहीं डरता हूं मैं मोंटी। मोंटी उस मोंटी आई से काटो तो बोल ना, तू रो। मोंटी मोंटी पीछे हट जाओ। रवि रवि तू नहीं छोड़, प्लीज आप लोग घर जाइए प्लीज। कौन आएगा? मां मैं आई, कौन आएगा मेरे सामने? हां कौन आएगा?
अगर तू नहीं रुकाना, सच्ची बोल रहा हूं मैं कॉलेज चलाऊंगा। रवि रुक जा, मौत कैसे मार सकता मोहन को, मैंने अपने हाथों से उसको मैंने बहुत सीध में कभी मार। उसका सीना चली कर दिया तूने, तुझे नहीं बचो। चाची मत जी, मैंने क्यों चाची मेरे क्यों मारा मेरे बच्चे को? चाची मैंने नहीं किया। क्या मिला तुझे इसे मार के, क्या मिला रवि? मुझे नहीं मेरे में तुम मुझे भी मार नहीं थी। मुझे मार दे तब तेरे दिल को सुकून मिलेगा। चाची मैंने नहीं मारा, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मैंने नहीं मारा मोंटी को। मोंटी मेरे छोटे भाई की तरह मैं कैसे मार सकता हूँ? झूठ बोलता है तू। चाची मैंने कोई नहीं, चलाइए मुझे नहीं मारा मेरे बच्चे को। रब ना तुझे कभी माफ नहीं करेगा। मैंने गोली नहीं चलाई चाची, माफ। बंदूक मेरे हाथ में थी बट मैंने ट्रिगर नहीं चलाया। मैं सिर्फ उसको, मुझे नहीं मालूम वो गोली कैसे चली। मोंटी मेरा छोटा भाई है, मैं उसे कैसे मार सकता हूँ? आपको तो पता है ना, मैं तरीका तुमको तो मालूम, मैंने मोंटी से कितना प्यार किया। मैं मोंटी को कैसे मार सकता हूँ? वो उस होश में नहीं था, उसके सर पे खून सुहा था। वो मैं क्या करता अपने बचाने के लिए? मैंने सिर्फ बंदूक से डराने के लिए, तो प्लीज मैंने उसको नहीं चला। सच्ची बोल रहा हूँ, मैंने नहीं मारा। हाँ बेटा, हमें पता है कि तुमने गोली नहीं चलाई, लेकिन प्लीज संभालो अपने आप को। नहीं वो मोंटी मेरा छोटा, मेरी बात सुनो, तुमने ये सब नहीं किया और तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हम सबको पता है, कोई तुम पर शक नहीं करेगा। रवि तुम्हें बिल्कुल अपने आप को कोसने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है ना तुमने नहीं किया है, हम सब जानते हैं ना।
बोलती मेरा छोटा। अभी मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत प्यार करते थे बॉडी से, तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते। रवि रवि सबको पता है तूने उसे गोली नहीं मारी। हम सबको पूरा विश्वास है, अब मुझे तुझ पे पूरा विश्वास है। चाहे तुझे कभी गुस्सा क्यों ना आए, तू अपने भाई पे गोली नहीं चला सकती। तू चिंता ना कर रवि, हम ये तो जानते हैं कि तुमने गोली नहीं चलाई, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर गोली चलाई किसने? रवि भैया, देवी का भाभी बाहर पुलिस वाले आए हैं, छानबीन कर रहे हैं जहाँ मोंटी भैया का खून हुआ था।